हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल आर किराए सर। फाइनली आपका विज्ञान विषय का पेपर पूरा हो गया है और अब आप हो गए हैं फ्री। तो चलिए सबसे पहले हम इन आंसर्स को मिला लेते हैं कि कौन कौन से आप सही उत्तर करके आए हैं और कितने नंबर आपके आ सकते हैं विज्ञान विषय में। बहुत ही आसान पेपर आया था, सभी का बन गया होगा, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए आंसर की तरफ मिला लेते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, आपके अलग अलग सेट्स में अलग अलग नंबर पे क्वेश्चन हो सकता है, तो क्वेश्चन को सुन करके मिला लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो द्विखंडन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी एक कोशिकीय जीव है तो अपने आप को दो खंडों में बांट देता है, इस प्रकार से इनका जनन होता है। अगला है क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आप सभी को पता है कि समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक आप सभी को पता है, सबने सही किया होगा, बहुत बहुत बधाई हो, ओम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ इसका, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तो ऐसी युक्ति को हम बोलते हैं मोटर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, एक पारितंत्र में मानव है। तो मानव कौन है? मानव सर्वाहारी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कि जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो CaO है, इसको हम H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है और साथ में क्या निकलता है? हीट निकलती है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, बा वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो देखो विद्युत चालकता तो करते हैं, तन्यता भी होता है, आघातवर्धी उत्तर सही है, भंगुरता। नेक्स्ट श्वसन की प्रक्रिया है होती है, तो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन ली जाती है इसलिए उसको उपचयन या ऑक्सीडेशन बोल देंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर उपचयन हो जाएगा। आई थिंक आपके सभी के आठों मतलब MCQ सही हो गए होंगे। चलिए देख लेते हैं खाली स्थान। तो पहला जो खाली स्थान है, वस्तुओं को हम खाली स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं, इतना ईजी आ गया है कि इसमें प्रकाश भर देते तो आपका सही उत्तर है ही। ठीक है, प्रकाश उत्तर हो जाएगा पहले का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खाली स्थान, प्रिज्म द्वारा खाली स्थान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बैगनी। ठीक है, दूसरे का उत्तर हो जाएगा बैगनी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम आगे देख लेते हैं, सिरके में एसिटिक एसिड होता है। तो एसिटिक इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में स्पेलिंग लिखनी थी, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में लिखना था। चलिए आगे देख लेते हैं, दो या दो से अधिक वस्तुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो आपको मिश्र धातु इसमें भर देना था, इसको इंग्लिश मीडियम वाले एलॉय भर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण। तो ये वृषण से होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाता वृषण। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि एक पुष्प के पराग कण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? पर परागण। यदि अकेले परागण भी लिखा है तो भी इसका उत्तर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र, तो नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र XY होते हैं। चलिए, तो इस टाइप से ये थे हमारे खाली स्थान। आगे हम देख लेते हैं जोड़ियाँ। तो जोड़ियों को सभी मिला लें अच्छे से कि मेंडल जो है उन्होंने अनुवांशिकी नियम दिए थे। ठीक है, रेखीय सरल रेखीय पथ होता है प्रकाश की किरण का, विभवांतर का तो वोल्ट होता ही है, SI मात्रक आपको पता है। नेक्स्ट प्रबल अम्ल जो होता है उसको HCl में मिलाएंगे और धातु को हम सुचालक में मिला देंगे और जाइलम जल का परिवहन। ठीक है, और मास्टर ग्रंथी को पीयूष ग्रंथी कहते हैं और मादा हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन है तो इसको मिला देंगे। इस टाइप से आपकी सारी मैचिंग अच्छी गई होगी और आपको 8 में से 8 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में ही उत्तर देना था, तो इसका क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाल रंग का प्रकाश होता है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ये दूर से भी दिखाई देता है। ऐसा यदि आपने लिख दिया तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 जिसने लिखा उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत परिपथों की लघु पथन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति जो है उसको बोलते हैं फ्यूज। ठीक है, तो फ्यूज आपने भरा होगा, लिखा होगा तो सही है। नेक्स्ट, बे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने सुनने सूंघने देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होता है? तो अग्र मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो प्लेसेंटा से मिलता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो उसकी क्षमता भी 1 डायप्टर होगी। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसमें 1 डायप्टर लिखना था। चलिए, तो ये थे हमारे
एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो ये बहुत ही आसान आए हैं, दो दो नंबर के क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आपको समीकरण लिखना था, ठीक है, या विषम पोषी भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप कायिक प्रतिबंधन या पुनरुद्भवन की किसी की परिभाषा लिख देते। सारे क्वेश्चन वही आए हैं जो हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तीन वीडियो डाली थी, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर वाली। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन फंसे हुए हैं, आई होप आपने सबने अच्छे से लिखे होंगे माई डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत बधाई। अब आप हो गए हैं फ्री कक्षा दसवीं से, अब ग्यारहवीं के लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट कर लेना है और ग्यारहवीं कक्षाओं की हम पढ़ाई करवाएंगे। तो उसी ग्रुप में जुड़े रहिएगा, जो कक्षा दसवीं का ग्रुप है उसमें हम कक्षा ग्यारहवीं उसका टाइटल चेंज कर देंगे। और आप लोगों ने ये मस्तिष्क के कार्य अच्छे से लिखे ही होंगे, तो जहाँ पे भी दिक्कत है आप हमें बता सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चंस के साथ कमेंट में और मैसेज पर। चलिए, तो अब बोलते हैं हम जय हिंद, वंदे मातरम।